मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देख पाते हैं जॉन एक बैंक में जाता है और 10 मिलियन के लोन के लिए अप्लाई करता है इतने बड़े अमाउंट सुनकर बैंक वाला भी जॉन को पूछता है कि तुमको इस लोन की क्या जरूरत है तभी सीन कट हो जाता है और हम पास्ट में आ जाते हैं हम देख पाते हैं कि जॉन अभी हाई स्कूल में है और वो वीडियो गेम खेल रहा है गेम खेलते समय उसे सामने वाले लड़के से एक मैसेज मिलता है सामने वाला लड़का उसे बोलता है की मैं तुम्हें ट्वेल्व डॉलर दूंगा जिसके बदले तुम अपनी तलवार मुझे दे दो जॉन को यह सब कुछ मजाक लग रहा था लेकिन फिर भी वो उसको तलवार दे देता है उसके बाद जॉन में में ये, ये सब कुछ बहुत लोगों के साथ करता है जिसकी वजह से जॉन को बड़ा प्रॉफिट होता है थोड़ी ही देर में वो इतने पैसे कमा लेता है जिससे की वो एक ब्रांड न्यू कार खरीद सके लेकिन जब जॉन के पेरेंट्स को पता चल जाता है की जॉन ने कार खरीदी है तो उनको भी जॉन के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है उनको लगता है कि जॉन ने यह पैसा गैमलिंग से बनाया होगा जॉन अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताता है लेकिन उसके पिता को उसके बातों पर भरोसा नहीं था इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं और जॉन की माँ उसे बोलती है की तुम्हें अभी सिर्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए लेकिन जॉन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से गेमिंग करने लगता है कॉलेज खत्म हो जाने के बाद जॉन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है लेकिन उसके ग्रेड गम होने की वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है इसी वजह से जॉन के पेरेंट्स भी उस पर गुस्सा हो जाते हैं लेकिन जॉन बोलता है कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ लेकिन के पिता के कुछ नहीं थी। जिसके कारण जॉन के प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फी उनके लिए बहुत ज्यादा थी इसी वजह से उसके डैड में और उसकी मॉम में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था उसके बाद जॉन अपना बैंक अकाउंट देखता है अकाउंट देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि उसका गेमिंग अकाउंट ब्लॉक हो चुका था क्योंकि वो गेमिंग अकाउंट बिजनेस के लिए यूज करता था उसके बाद जॉन अलग अलग इनकम सोर्स के बारे में सोचने लगता है थोड़ी देर बाद वो जाकर कुछ डीवीडी प्लेयर लेता है जॉन उन डीवीडी प्लेयर को ऑनलाइन मार्केट में थोड़े महंगे दाम में बेचने वाला था लेकिन जब वो घर आ जाता है तो उसे समझ में आ जाता है की वो सारे डीवीडी प्लेयर खराब है इसलिए वो वापस उस दुकानदार के पास चला जाता है लेकिन वो दुकानदार बोलता है की किसी भी डिवि प्लेयर की वारंटी नहीं थी इसलिए मैं डीवीडी प्लेयर वापस नहीं ले सकता उसके बाद जॉन वो सभी डीवीडी प्लेयर लेकर वापस घर आने लगता है तभी उसको उसके पिता दिखते है और वो भी कार में बैठ जाते हैं जॉन जॉन के पिता को बताता है कि एक बिजनेस रन करना कोई आसान बात नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगती है उसके बाद जॉन के पिता उसे कैश देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम गांव में जाकर अब खेती करो लेकिन जॉन उनको मना कर देता है और वापस घर आ जाता है

कि शॉप में ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे इसलिए जॉन अलग, अलग अलग ट्रिक्स लगाकर अपनी मार्केटिंग करने लगता है उसके बाद जॉन लूगल शॉप में जाता है और उनसे सीखता है कि वो मार्केटिंग कैसे कर सकता है वो सब कुछ सीखते हुए नोट डाउन भी करता चाहता है उसका ये बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था कि तभी जॉन की माँ जॉन को रोते हुए बताती है की वो लोग चाइना जाने वाले है क्योंकि जॉन के पिता ने बैंक से बहुत सारा लोन लिया हुआ है और लोन की वजह से वो अपना घर भी खो चुके हैं जॉन बहुत सोचने के बाद डिसीजन लेता है कि वो चाइना नहीं जाएगा और यहाँ पर वो अपने अंकल के साथ रहकर अपना बिजनेस संभालेगा एयरपोर्ट से निकलते वक्त वो अपने पेरेंट्स को वादा करता है कि वो जल्दी अपना सारा लोन चुका देगा और हम लोग फिर से यहाँ पर रहने के लिए आएंगे लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स निकलते है उसे एक बैड न्यूज मिलती है उसको समझ में आ जाता है की उस जगह का रेंट उसके कमाई से बहुत ज्यादा है इसलिए वो अपनी ऑटोमेटिक मशीन बेच देता है उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के बाद जॉन की गर्लफ्रेंड कुछ खा रही थी जॉन भी वो चीज टेस्ट करता है और उसे भी वो पसंद आ जाता है उस प्रोडक्ट का नाम ग्रीन स्ट्रिप था फिर जॉन को आ जाता है है और वो ठान लेता है कि वो ठान ऐसे ही स्ट्रिप बेचेगा इसलिए वो मार्केट से कुछ स्ट्रिप खरीदता है और उसके बाद वो और उसके अंकल दोनों भी वो स्ट्रिप फ्राई करने लगते है लेकिन उनकी टेस्ट बहुत ही खराब थी क्योंकि उनकी फ्राइंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो रही थी उसके बाद हम देख पाते हैं की जॉन के पास

जॉन फिर से उन ग्रीन स्ट्रिप को फ्राई करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जॉन से वो ग्रीन स्ट्रिप परफेक्ट फ्राई नहीं हो रही थी जी देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन तभी उसकी नजर एक आकड़े ग्रीन स्ट्रिप के पैक पर जाती है उस पैक पर बारिश की वजह से फॉप चढ़ गया था जॉन फिर भी उस पैकेट से स्ट्रिप निकालता है और उसे डीप फ्राई करने लगता है और जब जॉन उस स्ट्रिप को टेस्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है जॉन को वो सिगरेट रेसिपी मिल चुकी थी जिससे जॉन बहुत अच्छे ग्रीन स्ट्रिप बना सकता है जिसके लिए जॉन को उन ग्रीन स्ट्रिप को एक रात के लिए पॉलिथीन बैग में रखता था जिससे कि वो ग्रीन स्ट्रिप कंडेंस हो और उनमें मॉइस्चर बन सके उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन अपने ग्रीन स्ट्रिप की दुकान लगाता है और वो दुकान बहुत चलती है उस दुकान से जॉन बहुत अच्छी अर्निंग करने लगता है हम देख पाते हैं की थोड़ी देर बाद जॉन के अंकल भी रिकवर हो जाते हैं और वो भी जॉन की मदद करने लगते है जॉन

इलेवेन की मैनेजर बोलती है कि ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है इसलिए हम ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर पर आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है क्योंकि जॉन ने अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप किया हुआ था जॉन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है की अब कॉलेज ड्रॉप करने की वजह से तुम्हे सक्सेस नहीं मिल पाएगी लेकिन जॉन अपने गर्लफ्रेंड को बताता है की सक्सेस मिलने के लिए हमें कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है और अगर हम पूरी लगन से और कंसिस्टेंटली मेहनत करें तो हमें सक्सेस जरुर मिलेगी तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज की फी बढ़ी तुम जस्ट कॉलेज में आओ ये सुनने के बाद जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहाँ पर ही ब्रेकअप कर लेते हैं अगले दिन जॉन अपने प्रिंटिंग हाउस में जाता है और उनको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है वो तो बताता है की मुझे अपनी पैकेजिंग पूरी तरह से चेंज करनी है और पैकेट की साइज को कम करो और प्रिंटिंग की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाओ अगले दिन जॉन नए पैकेजिंग के साथ सेवन इलेवन के स्टोर पर जाता है वो पूरा एक दिन बाहर रुकता है लेकिन वो सेवन इलेवन की मैनेजर उसका प्रोडक्ट देखती भी नहीं जिसकी वजह से टॉम पूरा डिप्रेशन में आ जाता है और वो गिव अप करने वाला था उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें सॉरी बोलता है वो कहता है की मैं बिजनेस से पूरी तरह से गिव अप कर चुका हूँ और मैं अपना लोन अब अप नहीं चुका सकता उसके बाद हम देख पाते है की जो सैंपल पैकेट जॉन ने सेवन इलेवन के लिए लाए थे वो जॉन वहां पर ही छोड़ कर चला गया था उसके बाद ऑफिस के सारे लोग एक एक कर, कर वो सैंपल टेस्ट करने लगते हैं और उन सभी लोगों को जॉन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तक कि मैनेजर भी वो ग्रीन हम देख पाते है की जॉन सेवन इलेवन की पूरी टीम के साथ बैठा हुआ था और सेवन इलेवन की, की, की मैनेजर उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करती है लेकिन सेवन इलेवन की बहुत सारी कंडीशन थी उनकी पहली कंडीशन ये थी कि जॉन को थाउजेंड पैकेट सेवन इलेवन के अलग अलग स्टोर पर डिलीवर करने होंगे हाँ कर ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर जाते हैं जहाँ पर जॉन बैंक से टेन मिलियन डॉलर का लोन लेने के लिए आया था लेकिन वो बैंक मैनेजर उसे लोन देने से साफ इनकार कर देता है और से बोलता है कि तुम्हारी एज अभी नाइनटीन है इसलिए हम लोन तुम्हें नहीं दे सकते लेकिन जॉन को पैसों की अभी बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो अपनी कार बेचता है उसके बाद वो अपना एक ब्लॉक पर लेता है और अपनी फैक्ट्री शुरू कर देता है एक दिन जॉन रेलवे स्टेशन पर खड़ा था तभी वो अपने गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है ये देखकर जॉन को बुरा लगता है लेकिन वो अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए नहीं जाता क्यूँकी सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी उसका बिजनेस थी वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और पूरा फोकस अपनी फैक्ट्री पर करता है फैक्ट्री पूरी बनने के बाद सेवन इलेवन की टीम इंस्पेक्शन के लिए आ जाती है की पूरी टीम बहुत तुम्हारी फैक्ट्री हमारे इंस्पेक्शन में फेल हो चुकी है क्योंकि तुम्हारे फैक्ट्री में हाइजीन की बहुत ज्यादा कमी है उसके बाद वो मैनेजर वहां से निकल जाती है लेकिन जॉन फिर भी गिव अप नहीं करता और अपने फॉल बैक पर काम करने लगता है सभी वर्कर को मास्क और ग्लव्स देता है और अपने फैक्ट्री के हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान रखने लगता है कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉन अपना हमेशा की तरह काम कर रहा था कि तभी अचानक वो फैक्स मशीन शुरू हो जाती है और उस मशीन से एक लेटर प्रिंट होता है वो लेटर कुछ ठीक से प्रिंट नहीं हुआ था इसलिए जॉन वो लेटर लेकर धूप में जाता है और उसे पढ़ने लगता है वो लेटर सेवन इलेवन से था उस लेटर में लिखा था की जॉन के प्रोडक्ट को सेवन इलेवन ने अप्रूव कर लिया है उसके बाद वो अपने सेवेंटी थाउजेंड प्रोडक्ट का टारगेट कंप्लीट करता है अगले दिन जॉन अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुमको जल्दी यूएसए वापस लेकर आऊंगा और अपना सारा लोन भी चुका दूंगा उसकी एक साल के बाद हम देख पाते है की जॉन ने पूरे फिफ्टी मिलियन डॉलर का लोन चुका दिया है और उसके माता पिता भी अब फिर से यूएसए में आ चुके हैं और जॉन की छोटी सी फैक्ट्री अब बहुत बड़ी बन चुकी है जिसमे लगभग पाँच हजार ऐसी ज्यादा एम्प्लॉय है और जॉन अब ग्रीन स्ट्रीप ही नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और उसके पास सेवन इलेवन के बहुत सारे डीलर हैं। उसके साथ जॉन के पास एक बहुत बड़ा फार्म भी है जो साउथ कोरिया में है जिसकी मदद से वो अपने ग्रीन स्ट्रीप का प्रोडक्शन करता है हम देख पाते हैं कि अब जॉन की एज ट्वेंटी सिक्स है और उसकी नेटवर्क आज फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है